मैं पूजा राहुल यूट्यूब और न्यूज़ोटो पे आपका स्वागत है एंड यूट्यूब पे भी आपका स्वागत है मेरे वीडियो इसे सब्सक्राइब करना लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा अगर आपको ये रियल स्टोरी अच्छी लगी तो। एक लड़की थी, पढ़ाई में बहुत ज़्यादा तेज थी, अव्वल थी, वो हर एग्जाम को चुटकियों में सॉल्व करती थी। जब उसकी पढ़ाई बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे गए तो उसके मम्मी पापा ने उसे पटना भेज दिया हॉस्टल में। तो वो जब ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर आती थी तो फेल हो जाती, अक्सर फिर वो नेक्स्ट ईयर देती थी तो फेल हो जाती थी, नेक्स्ट देती थी तो फेल हो जाती थी। उसका रीजन उसको समझ नहीं आता था आखिर क्यों। सारे क्वेश्चन सर को जब बताती थी तो सारे सही होते थे, बट जब वो लिख कर एग्जाम देती थी तो फेल हो जाती। वो परेशान होकर अपने घर चली गई। उसके मम्मी पापा ने उसको कई डॉक्टरों को दिखाया, जांच कराया, सारी चीज़ पॉजिटिव थी, कोई चीज़ ऐसी नहीं निकलती थी जो टेंशन के बाद। मगर फिर भी तो टेंशन होगी ना, तो फिर वो बहुत ज़्यादा दिक्कत उसको होने लगी। तो एक दिन क्या है कि वो बोली मैं चाचा जी के घर जाना चाहती हूँ। वो चाचा जी के घर जा रही थी। चाचा जी ज्योतिषी थे, उनको पूजा पाठ का हर एक चीज़, यंत्र मंत्र जो भी था, सारी चीज़ों की उन्हें ज्ञान थी। वो घर में हमेशा पाठ किया करते थे। जब ये इसने कदम रखा चाचा जी के घर में तो उनके पाठ में विघ्न आ गया। उनको ये आभास हुआ कि कोई हमारे घर में गलत रूह आया है। वो पहचान गए कि किसको क्या है। तो उस बच्चे को बैठाया और पूछा, देख के भी वो जान गए कि इसके ऊपर कोई रूह का साया है। फिर वो बड़े बड़े पंडितों से बात किए, ठीक है, क्लियर थी सारी चीजें बताई उन्हें, ऐसे ऐसे बात। फिर कई पंडित आए, उनके मम्मी पापा आए, सारे लोग आए, उसको बैठाए, उसको हावी कराने की कोशिश की गई। उसके ऊपर जब आया पूछा गया तुम कौन है, वो रोने लगा। यहाँ से बहुत प्यारी स्टोरी है। वो रोने लगा, वो बोला मैं एक लड़का हूँ, अपने मम्मी पापा का एक लौता हूँ। मैं इसे परेशान करना नहीं चाहता, ये मेरी बहन है, मगर जिसने मुझे भेजा है ना वो मुझे बहुत तंग करते हैं, मुझे जलाते हैं, मुझे मारने की कोशिश करते हैं, मुझे तकलीफ देते हैं। इस लड़की को पढ़ाई में अव्वल नहीं होना देना है, क्योंकि इस लड़की के एक चाचा जी हैं, उन्होंने ऐसा करवाया है, मुझे बुलाया है, ठीक है, मौलवी से कह के मैं उनके थ्रू आया हूँ, और उसने बोला है कि इस लड़की को एग्जाम में पास नहीं होने देना है, तब मैं ऐसा करता हूँ। मगर जब मैं इसे ऐसा करता हूँ तो मैं रोता हूँ, क्योंकि ये मेरी बहन जैसी है। जब ये राखी अपने भाइयों को बांधने जाती है तो मैं रोता हूँ, काश मेरी भी कोई एक बहन होती, मैं भी मजबूर हूँ, मैं क्या करूँ। तो पंडित जी ने कहा ठीक है, अब तुम्हें उसके पास जाने की कोई जरूरत नहीं, तुम इस लड़की को छोड़ने के लिए तुम्हें क्या चाहिए। उसने जो जो पूजा पाठ जो भी मांगा इसके घर वाले ने सारी चीज दी है। फिर वो माफी मांगती है, शुक्रिया करके उस लड़की को छोड़ दिया। आज लड़की वो टीचर है गवर्नमेंट, ठीक है। तो वैसे कई चीजें होती हैं अच्छी और बुरी, हम किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो। रूह भी अच्छी होती है, इंसान से तो अच्छी ही होती है यार, इंसान तो बहुत। तो ये रियल स्टोरी थी गाइस, हमारे रिलेटिव में।